Hello everyone, this is Dr. Sheetal Bajaj. Today we are going to discuss one of the most important literary terms, alliteration. Alliteration आपकी बहुत ही important figure of speech है जो कि अक्सर आपके competitive exams में पूछी जाती है. Alliteration word जो है आपका ये Latin word से derived है और Latin word है latira, which means letters of alphabets. ये एक ऐसा literary device है जिसमें sounds आपकी बार बार repeat होती हैं. यानी कि इसमें letters नहीं आपके repeat होंगे, ये आपकी sounds repeat होंगी. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है seven sisters slept soundly on the sand. आप देख सकते हो कि एक sound जो है वो बार बार repeat हो रही है और ये example जो है alliteration की है. अगर आपने alliteration को बहुत ही आसान तरीके से याद रखना है तो एक example मैं आपको और देती हूँ. जो आप routine में drink वगैरह पीते हैं, cold drink वगैरह है ना, तो जैसे आप Coca-Cola देख सकते हो. Coca-Cola जो है काफ़ी अच्छी example है आपकी alliteration की, क्योंकि इसमें भी sounds आपकी repeat हुई हैं. और आप देख सकते हो कि नाम है किसी का, नाम में भी alliteration sounds कई बार repeat हो जाती हैं. As for example, English literature के जो writer हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइट ऑफ नेचर रहे हैं, आप देख सकते हो कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है वो रिपीट करनी है हमने. जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे इंग्लिश में जो है 44 स्पीच साउंड्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 20 वॉवल्स होते हैं. तो एलिट्रेशन में क्या है कि आपकी हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड्स ही रिपीट होंगी. सेंटेंस का हर एक शब्द ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलिट्रेशन को प्रोड्यूस करे. हम कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ कर भी ओवरऑल एलिट्रेटिव इफेक्ट पैदा कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि पूरा सेंटेंस ही प्रभावशाली हो ऑलिट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तहत. दो तीन शब्द वाले भी फ्रेज जो है एलिट्रेटिव इफेक्ट दे सकती हैं. एलिट्रेशन टंग ट्विस्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसमें राइटर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं या एम्फसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जो है सेंटेंस दिया हुआ है टंग ट्विस्टर के बारे में, कि टंग ट्विस्टर क्या होता है. इसमें एक जैसे शब्दों की सीक्वेंस होती है और साउंड भी क्वाइट आइडेंटिकल होता है, जिनको बोलना काफ़ी कठिन होता है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फेमस एग्जांपल्स एलिट्रेशन की. व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, माइक मेड मालो म्यूजिक विद हिज न्यू माइक्रोफोन, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. आप देख सकते हो यहाँ पे जो साउंड्स हैं वो रिपीट हो रही है. हमें लेटर से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ साउंड्स को देखना है जो बार बार रिपीट होती है. कॉन्सोनेंट साउंड स्पेशली, उन्हीं को हम ऑलिट्रेशन कहते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें.